नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भगवान देवनारायण का मंदिर और मंदिर के जस्ट सामने यहाँ के मेहमान हमारे साथ है और हम पूरा परिचय आपको इस मंदिर का और इस गांव के बारे में पूरा परिचय यहीं से आपको, हमारे साथ पुजारी जी भी है और गांव के सरपंच साहब भी है। राम राम। आप रो शुभ नाम? माधुराम। तो ई मंदिर रो और ई गांव रो इतिहास माने भी थे बताओ। मैं काफ़ी जगह चर्चा में सुनियो है कि एक ही परिवार का लोग ई गांव में रहे। यहाँ पर पूरा एक ही बाप की औलाद लावड़ा परिवार है। हाँ, वो यहाँ पर भगवान देवदान के हिसाब से हमारे आस्था है। हम यहाँ पर हम सब पुजारी हैं, एक बाप की औलाद है, सब पुजारी हैं। हाँ, यहाँ हमारे दारू मांस निकलने का शरण बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ, हमारे भगवान के आश्रय के हिसाब से हमारे मकान सबको मकान कच्चे हैं और हम यहाँ पर पक्का मकान बनाते नहीं है और सब हम यहाँ पर सब पुजारी हैं। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी हो गई रे? 80 साल हो गए। तो बाबा जी, 80 साल से आप यहाँ कच्चे घरों में रह रहे हो, तो मेन क्या वजह थी कि भाई यहाँ पक्के मकान नहीं बना सकते हैं? भगवान की मना है जी। हाँ, भगवान की मना है कि भाई माँ का बडेरो कह दियो कि भाई पक्का बहन तो भगवान थारे बना दियो, मारे कच्चे राख। हाँ, तो भगवान ने माँ का बडेरा ना कियो कि भाई तू ऊँचा है तो आ दो मतलब धूप कर लिए तेने पवित्र मान लियो, जा तारे दन दूनी रात चौकनी है जाए तो माँ के एक ही डोक वो तो मार पक्का मकान ना बनाओ। और जे ई गांव रो कोई बाहर रहे आदमी तो वाने भी कच्चो मकान बना देना पड़े? बनानो पड़े, कच्चो ही बनानो पड़े। अगर न मानने बना दियो तो वाने किराया जमा कराना पड़े। ई मंदिर में किराया जमा कराना पड़े भी मकान को पके रहो? जैसे मतलब दूर सामने रहता है वैसे ध्यान ही रखना पड़े। बाबा जी, आप रो नाम? नाम रामकरण गुजर। हाँ, राष्ट्र गुजर गोत्र परिवार में लावड़ा गोत्र है हमारी। हाँ, और जब ये गांव हमारे 11वीं 12वीं सदी के अंदर ये हमारा गांव बसा हुआ, जो हमारे पूर्वज यहाँ आए ना। हाँ, तब एक ही परिवार था, एक ही दादा था उनका। हाँ, आज नादाराम जी लावड़ा, तो वो यहाँ आने के बाद में पहले देवनारायण भगवान हमारे से पहले यहाँ आ चुके थे। हाँ, वो देवनारायण भगवान अरावली पर्वत से भ्रमण करते हुए यहाँ आए, तब यहाँ के जो देवमाली गाँव के जितने भी पत्थर हैं ना, वो सारे पत्थर पश्चिम दिशा ने भगवान को नमन किया। तो आज आप कहीं देख लो, छोटा सा बड़ा पत्थर पश्चिम दिशा ने झुकान किया हुआ, और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे थे वो हरियाली होकर के इधर इधर लेरने लग गए। तो भगवान यहाँ आकर के पहाड़ी के ऊपर अपना स्थान स्थापित किया। सात शिला का मंदिर है और ऊपर पूरी छत है, जो छत वो पूरी चट्टान की है। स्वयं देवनारायण भगवान ने, देवनारायण भगवान वैसे विष्णु का अवतार ही माने गए और हम यहाँ के पुजारी है। हमारी एक ही पहचान है कि हम एक तो पक्के मकान नहीं बनाते, क्योंकि हर 6 महीने के अंदर लिपाई पुताई होती है और उसके अंदर शुद्धिकरण होता है गाय के गोबर और पीली मिट्टी से। और जो हमारे यहाँ हमारा परिवार में जो भी सदस्य मनुष्य आदमी होता है, जो वो शादीशुदा होता है ना। हाँ, उसके उंगली में ये अंगूठी मिल जाएगी तांबे की। हाँ, क्योंकि शादी होने के 2 दिन पहले हम मंदिर पे जाके भगवान देवनारायण जी के प्रणाम करके, और जो वहाँ का हमारा मेन पुजारी होता है जो ये हमारे को तांबे की अंगूठी पहनाता है, ये हमारे बहुत बड़ी मान्यता है। और हम यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ नॉनवेज दारू मीट मांस मदिरा कुछ भी नहीं हमारा सेवन किया, हमारे इस गाँव में प्रवेश नहीं होता है। पूरा शुद्ध शाकाहारी गाँव है, एकदम शाकाहारी गाँव है। तो ये आपका एक परिवार के लोग सभी साथ में बैठते हो, मतलब जैसे आपके दादा का, मतलब एक ही परिवार के दादाजी यहाँ आए थे? एक ही दादाजी का परिवार यहाँ आए हैं और आज वो 12वीं सदी के अंदर करीबन हमारे यहाँ आए। हाँ, और आज 300 घर हो गए। और अगर जैसे कोई बड़ा त्यौहार होली दीपावली, उसके ऊपर हम सब भाई भाई एक जगह बैठ के हम अच्छा त्यौहार मनाते हैं, भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये हमारी परंपरा आज भी वही। और भगवान देवनारायण जी ने जो हमारे को जो मार्गदर्शन दिखाया, उसी मार्गदर्शन पे आज भी हम चल रहे हैं। आज भी चल रहे हो, मतलब भगवान की दिशा बताई हुई है कि भाई आपको इस दिशा में चलना है। और इतने मतलब 300 घरों का ऐसे भी मतलब कोई के बीच में
रंजिश नहीं रहती है कोई, नहीं रहती है, कुछ का सुनी होती है हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग बैठ के उनको उनको यही निपटारा कर लेते हैं, यही उनका न्याय इंसाफ करके उनको संतुष्ट करते हैं। हमारा थाना कोर्ट कचहरी जाने का कोई कारण ही नहीं है। और जो हमारे यहाँ देवमाली गांव की जो हमारा राजस्व रिकॉर्ड में, ये गांव मतलब राजस्व रिकॉर्ड में है, और यहाँ के 3,500-4,000 बीघा जमीन है। वो जमीन क्या है कि जब 71 के सेटलमेंट में हमारे बाप दादाओं के नाम थी, उसमें पुजारी लगा हुआ था, और मंदिर की 1,200 बीघा जमीन वो अलग ही है। जो हमारी पर्सनल खातेदारी जमीन थी तो वो 1993 में वो हमारे राज्य सरकार के आदेश अनुसार वो हमारे मंदिर के नाम चली गई। आज हम सरकार से कोई चीज़ केसीसी ट्रैक्टर लोन वगैरह लेना से आज भी हम वंचित हैं। मतलब पूरी जमीन भगवान देवनारायण के नाम है, तो आप जितने भी 300 घर हैं इनके नाम जमीन नहीं है? हाँ, ये हम बंटवारा कर रखे हैं, बाकी सारी जमीन हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर के नाम, मंदिर के। मतलब खेती तो आप ही करते हो, तो अलग अलग बांटी हुई होगी आपकी की? भाई बंटवारा हो रखा है, बंटवारा हो रखा है। मतलब जब से मतलब अलग अलग भाई एक बीघा हो चाहे वो जितनी भी आए, खादारी हमारे गांव उसका नाम थी ना, हाँ उसे बांट रखी, पहले बांट रखी है। मतलब नाम अंदर चले गई, मतलब हमारे सरपंच साहब माधुराम जी जब 1994-95 में जब आप सरपंच बने, तब हमारे यहाँ गांव का मंदिर का विकास हुआ। अपना गांव अपनी योजना के तहत कुछ पैसे जमा कराए, उसमें बजट आया, उसमें काफ़ी धर्मशाला है, सीसी रोड है, तालाब है, मोरी है, नाला है, ऐसे लाइट है, बिजली है, सारी व्यवस्था हमारे बहुत अच्छी हुई। और हमारे सरपंच साहब ने 25 साल का कार्यकाल अच्छा निकाला है और अच्छा विकास हुआ है। 25 साल से एक ही सरपंच रह रहे हैं? सरपंच है, मतलब गांव की पूरी एकता है, तो मतलब सरपंच एक ही बनना ये तो तय है। एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब गांव के लोग एक साथ बैठते हैं, तो फिर मतलब 300 परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, तो सरपंच मेरे हिसाब से चुनाव होने की जरूरत ही नहीं रहती है। पाँच हजार वोटिंग तो इस गांव के अंदर कुल मिला के पूरी जनसंख्या कितनी है? 4,000, जिसमें से वोटर कितने हैं? 1,200 लोग वोट देते हैं। तो आप मतलब जैसे ये कच्चे मकान बनाते हो तो इसमें पत्थर यूज लेते हो? पत्थर यूज लेते हैं, हाँ। और पीली मिट्टी से चुनाई होती है, हाँ। उसके बाद में हम इसकी लिपाई होती है मोल्डा, हाँ। मोल्डा से, और फिर पीली मिट्टी और गाय के गोबर से इसकी लिपाई होती है, हाँ। उसके ऊपर हम सफेद मिट्टी से इसकी पुताई करते हैं। तो मतलब ऊपर छत के ऊपर जैसे बांस डालते हैं, हाँ। और केलूनी छत बनाते हैं, कच्ची छत है। मतलब प्योर मिट्टी यूज लेते हो और पत्थर यूज लेते हो, तो भी उसमें मिट्टी और वो कहना मतलब लिपाई पुताई करते हो। गाय का गोबर एकदम? गाय का गोबर। तो यहाँ पर लगभग ज्यादातर लोग भैंस पालते हैं, क्या कारण है? गाय भैंस का धंधा है, खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन, भैंस ज्यादा पालते हैं। पहले हमारे जब मुख्यमंत्री आवास योजना से मतलब हमारे बीपीएल मकान बनते थे कच्चे, हाँ। वो भी राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार हुए। तब केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ। उसमें हमारे क्या है कि वो पक्के मकान थे, कच्चे हम पक्के बना नहीं सकते, हाँ। तब हमारे सरपंच साहब जी ने इसने मतलब सारी मेहनत करके आज हमारा गांव में वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना से कच्चे मकानों का काम चल रहा है। आज कच्चे मकान आवास योजना में बना सकते हो आप? बना सकते, यह भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमति मिली हुई है। और भी आप मतलब जैसे खेती करने जाते हो तो कितने दूर तक आपका गांव है यहाँ से, कितने बीघे में फैला हुआ है पूरा गांव, कितना बीघा जमीन है? मतलब सारा अपना 3,500-4,000 बीघा जमीन में फैला हुआ है। और वो पूरी जमीन भगवान सारी मंदिर के नाम है, यहाँ कोई सरकारी स्वैच्छिक चरागाह भूमि कुछ भी नहीं है। अगर चरागाह भूमि है तो श्री देवनारायण मंदिर के नाम ही चरागाह भूमि है। तो जैसे ही आप मतलब कोई किसान या बुजुर्ग लोग या लोन लेना चाहे तो लोन नहीं मिलता है आपको मिलता। जमीन के नाम पे? और जो भी पैसा है वो मतलब जमीन पूरी मंदिर के नाम है। आज अगर बिजली कनेक्शन भी लेना चाहते हैं तो मतलब वो कसरा नंबर मंदिर के नाम पुजारी के नाम हो जाती है, हमारे पर्सनल बिजली
मेरे कनेक्शन अब होने लग गए। अब अभी आपके नाम होने चाहिए, मतलब तो जमीन आपके नाम नहीं होने की वजह क्या है सरपंच साहब? वो तो ये सब पहले जब जमीन वो पहले हमारा नाम प्रजो नाम थी वो, हाँ, पर बीच में जब वो मंदिर का जमीन वो मंदिर का नाम थी उसको मतलब पुजारी बेचने लगे उसको, तो उसमें विधानसभा में पूरा मतलब वो विधानसभा में एक मतलब प्रस्ताव पास हुआ कि जितने भी मतलब जो मंदिर की जमीन वो जो मतलब पुजारी का नाम है उसको मंदिर के नाम करे जावे, तो हम भी उससे पेड़ में आ गए मतलब उसको, तो हमारे तो पुजो हमारे खादारी हमारे पुजो का नाम थी वो, तो पर उस नियम में हम भी आ गए मतलब। तो दोस्तों देखिए ये एक ही गांव के मेहमान हैं और आप देखिए एकदम यहाँ से आप देवमा देवनारायण धाम थोड़ा ही दूर जस्ट नीचे यहाँ पुजारियों के साथ हम बैठे हैं।